गोंडा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया। शहर अध्यक्ष रफी रैनी ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर बदले की भावनाओं से राष्ट्रीय प्रवक्ता को गिरफ्तार किया गया और यह हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, होम दिल्ली। बोलिए, गूंजे बहनों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गूंजे बहनों, एक मिनट। प्रवक्ता राष्ट्रीय महासचिव पवन खेड़ा जी के असंवैधानिक तरीके से कल उनको हवाई जहाज से उतार लिया गया। बोलकर उनको उतारा गया कि आपका बैग चेक करना है। उनको उतार करके असम की पुलिस, नरेंद्र मोदी के इशारे पर असम की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने उनको असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के विरोध में हम संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया गया कि आइंदा भविष्य में किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो, वरना हम लोग जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन जो है आपके द्वारा दिया गया। मैं रफीक रैनी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गोंडा। क्या है, क्या मामला है? राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी की कल असंवैधानिक तरीके से जो है गिरफ्तारी की गई। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आज गोंडा जनपद के समस्त कांग्रेस जनों की ओर से हम लोग धरना प्रदर्शन करके एक राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है और भविष्य में किसी भी कार्यकर्ता या जनमानस को ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए, वरना हम सभी कांग्रेस जन जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये आज सुबह से ही मेरे घर को पुलिस, काफी सुरक्षा दलों ने जो है पुलिस दल के साथ छावनी बना दिया गया। हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया। हम लोग यहाँ मुन्नका चौराहे पर धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। पवन खेड़ा जी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने भारत सरकार को एक ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी है कि अन्यथा दोबारा ऐसी हरकत कांग्रेस के नेताओं के साथ ना की जाए, नहीं तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।